सभी दोस्तों मेरा जय हिंद और वंदे मातरम। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर भाई के लिए, तो जरूर इस वीडियो को देख लेना। और अलवर सेनापति के लिए एडमिट कार्ड से रिकॉर्डिंग, बहुत से जो मैसेज आ रहे हैं, बहुत से कमेंट आ रहे हैं, तो इनके लिए आपको बहुत ज़्यादा जरूरी अपडेट है। और थोड़ा बहुत नियम में कोई चेंजेज हुआ है जो बहुत ज़्यादा स्पेशल आपके लिए, तो प्लीज़ पूरा कंप्लीट देख लेना। और ग्राउंड से रिलेटेड जो भी आपका कमेंट है, मैं ग्राउंड का वीडियो भी आपको चैनल पर अपलोड मिल गया है, चैनल पर अपलोड कर दिया मैंने, तो ग्राउंड का जो वीडियो नहीं देखा है आप, तो लिंक डिस्क्रिप्शन देखिए, देख लेना। और सबसे पहले आपको एक चीज़ इन्फॉर्मेशन करना चाहूँगा, जो भी दोस्त है जो सेनापति को अटेंड कर रहा है, सेनापति को अटेंड करने से पहले जो आपके लिए बहुत अच्छे से सोच, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आप रनिंग करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो रनिंग के लिए शूज, लिंक दे रही है डिस्मॉक्स में, जाइए और बहुत से कम प्राइस में आपको बहुत अच्छे से शूज मिल रहे हैं, तो लिंक दे रही है डिस्मॉक्स में जाइए और 300 400 500 रुपए में आपको अच्छे से ब्रांडेड शूज मिल जाएंगे, जो सेका कंपनी के हैं, अदर जो ब्रांडेड कंपनियाँ हैं उन सभी के लगभग कंपनी के शूज मिल जाएंगे, लिंक दे रही है डिस्मॉक्स में, एक बार चेकआउट कर देना। अब बात करते हैं आपके जो सेनापति से रिकॉर्डिंग, जो एडमिट कार्ड से रिलेटेड बहुत से मैसेज आ रहे हैं उनके बारे में, चलो मैं ले चलता हूँ एक ऑफिशियली जानकारी पे, ऑफिशियली अपडेट। ओके सो गाइस, अभी जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये ऑफिशियली जो वेबसाइट है हिंदुस्तान लाइव की, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर हूँ और उस पर विजिट कर रहा हूँ। और ये डेट आपके जो है, जो आपको दे रखी इसमें 8 अप्रैल 2021 जो भी हुए लॉन्च, और कल के लगभग 6-7 बजे के समथिंग इसमें पोस्ट डाली है अपने जो भर्ती का इस प्रोसेस में, उन्होंने एक चीज़ इसमें नोटिस किया है, वो आपको चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजस्थान में जो सेना भर्ती रैली अलवर के युवाओं में होगा और तगड़ा मुकाबला, जाने किस जिले में कितने आवेदन होने वाले हैं, यानी कि बहुत से बंदे पूछते हैं कि सर जो इस जिले में कितना आवेदन हुए हैं, वो भरतपुर से कितने हुए हैं, अलवर से कितने हुए हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा जो ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है अलवर के लिए, अलवर वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अलवर वाले जो भी सेना भर्ती को अटेंड करने वाले हैं और अदर डिस्ट्रिक्ट वाले, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जस्ट जो ये इन्होंने लिखा है, राजस्थान में अलवर, देखिए राजस्थान में जो अलवर की जो भी ये जो ज़िले हैं उनके RAC बटालियन जो अपनी मीनापुर ग्राउंड में होने वाला अपना भर्ती, मैंने जो पहले आपको बता दिया था कि RCAC जो ग्राउंड है अपना, जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो मीनापुर में, उसी ग्राउंड में होने वाला, ग्राउंड के वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत से दे रखे हैं और आप चैनल पर को मिल जाएंगे, देख लेना, नहीं देखा होता बाद में, ठीक है। और ये भर्ती आपकी जो 20 अप्रैल से शुरू होने वाली है सेना भर्ती में, और 6 जिले में शामिल होने वाले, इसमें 6 जिले से जो यानी 69,000 से भी ज़्यादा जो बंदे इसमें शामिल होने वाले हैं, 69,344 बंदों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है इस भर्ती में। और इसमें जो सबसे बड़ा है जो कमिटमेंट है जो अलवर जिलों वालों के लिए, क्यों अलवर में बहुत से ज़्यादा आवेदन आए, अलवर से ही केवल जो 30,000 से ज़्यादा जो इस भर्ती को अटेंड करने वाले हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो इस डिस्ट्रिक्ट से इस सेना भर्ती को अटेंड करने वाले हैं अलवर ज़िले के, जानकी जो जबकि जो अन्य ज़िलों से अलवर में आधे जो युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। दूसरे नंबर पर भरतपुर ज़िले में है, और भरतपुर से जो आपको कह सकता हूँ कि जो 19,000 से 20,000 के समथिंग इसका रजिस्ट्रेशन करवाया है बंदों ने, और इसमें जो अलवर और भरतपुर से ही जो अधिक युवा सेना भर्ती को भाग लेने वाले हैं। और एक चीज़ और भी नोटिस करना चाहूँगा दोस्त, कि जो भी अलवर सवाई माधोपुर या जो दौसा से करौली से आने वाले जो बंदे हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आने वाले हैं इस भर्ती ग्राउंड के लिए, तो उनको बहुत सी दिक्कत आने वाली है, यानी जैसे जो ट्रैवल करने में या जो उनको रहने में या जो आने जाने में जो दिक्कतें होती है, और इसके साथ में जो एडमिट कार्ड से रिकॉर्डिंग या जो डॉक्यूमेंट से रिकॉर्डिंग, सारे डाउट मैं लगभग 15 तारीख 16 तारीख के लगभग मैं आपको हर चीज़ अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि जो बंदे वहाँ से आ रहे हैं या जो अदर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं उनको इस भर्ती के बारे में, ग्राउंड के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है, उनके लिए तो एक अनजान होता है, तो उनके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, मेरे से जितना हो रहा मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि आपको सेना भर्ती को अटेंड करते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं हो, 1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ से आपको बस मिलेगी, कहाँ से आपको बैठना है, कब जो सेना भर्ती को अटेंड करना है, कितने बजे वहाँ पर पहुँच जाना है आपको, रैली ग्राउंड में जाने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो कोशिश मैं यही करता हूँ कि आपका जो 100% इसमें रिजल्ट दो आप और सलेक्शन लेके जाओ, ठीक है। इस सेना भर्ती में जो बहुत से युवा ये बोल रहे होंगे कि जो भर्ती रद्द होने के और एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहे हैं वो चीज़, तो आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्त कि इसमें एडमिट कार्ड से रिकॉर्डिंग भी एक जानकारी बता रखी है, बहुत जल्द आपको सेना की तरफ से नोटिफिकेशन भी आउट होने वाले हैं, एडमिट कार्ड के जो लिंक आपके ईमेल आईडी पे सेंड की जाएंगी, तो ईमेल आईडी चेकआउट करते रहना, और डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग तारीख को अलग अलग सेना भर्ती होने वाले हैं, तो आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ध्यान रखते रहना। और इसके साथ में जो बंदों के एडमिट कार्ड जैसे ही आते हैं, आपकी ईमेल आईडी या जो भी मैसेज आता है, तो आप तुरंत मेरा व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर देना, जिससे और दोस्त अपने जो भी हैं वो भी एक इस चीज़ को लेकर सतर्क हो जाए कि हाँ हमारा एडमिट कार्ड आने वाला है और आ गया है, ठीक है। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे, तो आप देख लेना, चेकआउट कर देना ये चीज़। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें और भी जानकारी है,
भरतपुर जिले से अधिक युवा भाग लेने वाले इसमें, और जो सबसे कम है जो स्वयं मधुपुर जिले से हैं सिर्फ है जो इसमें जो 1200 कुछ बता रखा है, 721 बंदे इसमें रजिस्ट्रेशन किया है, यानी लगभग 1700 के समथिंग है जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। जल्द ही सेना की ओर से जो भर्ती कार्यक्रम को जारी किया जाएगा, यानी एडमिट कार्ड का रिकॉर्डिंग जो भी जारी किया जाएगा। इसके लिए पता किया चल रहा है कि जो जिले में किस ब्लॉक के युवा किस तारीख को दौड़ेंगे, यानी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के युवा अलग अलग तारीख को दौड़ने वाले हैं, ये इसमें इन्होंने बता रखा है। सेना भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा एडमिट कार्ड की रिकॉर्डिंग। और सेना भर्ती में जो प्रशासन ने सेना भर्ती के लिए जो भी प्रशासन है उन्होंने जो गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, प्रत्येक जो युवाओं की भर्ती के लिए जो दौड़ में शामिल होने से पहले 72 घंटों की जो कोरोना रिपोर्ट है जो नेगेटिव रिपोर्ट वो आपको लेके जानी है, RPTCR की जांच से लेकर आपको लेके जाना है, और इसमें जरूर है कोरोना रिपोर्ट की नेगेटिव रिपोर्ट आपको लेके जाना है। सबसे पहले मैं दोस्त एक बार इन्फॉर्म कर देता हूँ, प्लीज़ जो भी दोस्त हैं इस वीडियो को देख रहा है इस वीडियो को अपने हर भाई के साथ इंपॉर्टेंट कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि यार जो बंदा इस भर्ती को अटेंड करेगा वो एक डॉक्यूमेंट या एक प्रॉब्लम के कारण पूरी इसकी 1 साल 2 साल की मेहनत कर रहा है ना वो बर्बाद हो जाए। इस कोरोना रिपोर्ट और जो एक नो रिस्क सर्टिफिकेट के कारण मैं बता रहा हूँ हज़ारों बंदे सेना भर्ती से अटेंड करने से वंचित रहे हैं। तो दोस्त प्लीज़ मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, आपकी कोरोना रिपोर्ट अभी तक नहीं बनी है तो बनवा देना। यदि आपको ये पता नहीं है कहाँ बनती है क्या प्रोसेस है तो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा और अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा आपका कोरोना रिपोर्ट कहाँ बनती है क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है। बाकी आपको एक छोटा सा एक जो गाइड दे दूं कि जो भी आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आपके नज़दीक में जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें जाओ, सीधे आपको बोलना कि कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, या जो जो भी वहाँ डॉक्टर हैं उनसे मिलो, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू ही वो अप्रूव होगा, वो जो आपका रिपोर्ट मिलेगी ना वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही होनी चाहिए, अदर जो प्राइवेट सेक्टर से नहीं मिलेगी आपको ना ही वो वैलिड होगी, एक चीज़ ध्यान में रख देना। 72 घंटे से ज़्यादा आपके जो पुरानी नहीं होनी चाहिए कोरोना रिपोर्ट जो भी है, ठीक है, ये चीज़ है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और एक चीज़ और भी इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मेरे दोस्त की सेनापति को ट्रेंड तो कर रहे हो आप, लेकिन दलाल से सावधान रहना, जो कि बहुत से बंदा है जो सेनापति को ट्रेंड तो करते हैं लेकिन जो ये दिक्कतें आ जाती हैं उनको, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना, दलालों से सावधान रखना, और इस वीडियो को जितना उसको फैला देना हर दोस्त के लिए। मैं ये नहीं चाहता कि सेनापति को अटेंड करने से वक्त उस दोस्त का या कुछ भी ऐसे जो गलत चीज़ में जाए या जो उसको एक डॉक्यूमेंट या एक जो वजह से छट जाए। एडमिट की रिकॉर्डिंग और बैच से रिलेटेड मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो प्रोवाइड करूँगा, और ग्राउंड का वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाइए चेकआउट कीजिए और देख लीजिएगा। मिलता हूँ नई वीडियो साथ में, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से कम शेयर करें, इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें, क्योंकि इसमें जो रिकॉर्डिंग जो जानकारी बता रखी है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और यदि आपने सूज से रिकॉर्डिंग आपने नहीं देखे हैं सूज कौन से हैं क्या नहीं है तो लिंक देगी डिस्क्रिप्शन में, 400-500 रुपये या 600 रुपये में आपको कोई ज़्यादा बेट नहीं है, आप ले लीजिए सूज, क्योंकि बहुत अच्छे सूज हैं, रनिंग करते वक्त बहुत सी दिक्कतें आएंगी जो आपके पुराने सूज हो या कुछ और, तो लिंक देगी डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लो, आपको पसंद आ जाते हैं तो ले लेना, ठीक है। मिलता हूँ नया वीडियो साधन, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शेयर कीजिए वीडियो ज़्यादा कम संख्या में।